गणित का डर दूर करने और विषय समझ को मजबूत बनाकर परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए शुरू किए गए इस श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक के वीडियो चैनल में आज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा और आखिरी भाग कोर। तो शुरू करते हैं वीडियो। द्विघात समीकरण को हल करने का सबसे व्यापक, जो सभी परिस्थितियों में लागू हो सकता है और सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है द्विघात सूत्र। एक भारतीय गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य जी, उन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने का ये सूत्र दिया था। वस्तुतः ये एक द्विघात समीकरण को, जो मानक या व्यापक रूप में हमें दिया गया है, उसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। देखिए, एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। हम इसे क्या करते हैं कि दोनों ओर चार ए से गुणा कर देते हैं ताकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाए, दो ए का वर्ग। और जब यहां देखते हैं तो ये 2ab रूप आ गया है, दो ए है 2ax और अभी बी स्क्वायर नहीं आया, तो बी स्क्वायर को पाने के लिए इस 4ac जो गणित का संख्या थी उसको दोनों तरफ इधर भी और इधर भी बी स्क्वायर जोड़ दिया, तो ये बी स्क्वायर तो यहां आ गया ताकि ये जो स्वरूप है वो 2ax प्लस बी का क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। और ये जो बची हुई संख्या है 4ac उसको बी स्क्वायर की तरफ ले गए तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अब इसको वर्ग बनाने के लिए इसके वर्गमूल का वर्ग कर दिया। आपको पता है वर्गमूल आधी घात है और जब आधी को दो से गुणा करेंगे तो वो एक घात हो जाएगी, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को ये एक विशिष्ट तरीके से वर्ग रूप में लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बनाते हुए वर्ग कर दिया। अब दोनों तरफ जब वर्गमूल लेते हैं तो वर्ग हट जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि एक तरफ हमें दोनों चिन्ह लेने पड़ेंगे, प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस का वर्ग भी प्लस होता है और माइनस का वर्ग भी माइनस होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों उत्तर संभव है। एक बार अब इसे हल करने के लिए x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस b को उधर ले जाएंगे तो ये दूसरी तरफ माइनस b हो जाएगा और बाद में 2a का भाग हो जाएगा। यहां इस समीकरण से x का मान ज्ञात करने के लिए पहले b का पक्ष रूपांतरण किया तो वो इस तरफ माइनस b हो गया, उसके बाद ये जो x का गुणांक है 2a ये इधर भाग में चला गया और हमें x का ये स्वरूप मालूम हो गया, माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में b स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। अब हम इस समीकरण के एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन के साथ दो हल निकाल सकते हैं और वो दो हल हो गए, एक माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल भाग 2a और दूसरा हो गया माइनस बी माइनस, देखिए एक में प्लस है और एक में माइनस है, वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac विभाजित 2a। यहां पर ये जो संख्या बी स्क्वायर, यहां पर ये जो संख्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मूलों का जो x के दो हल है उनका कैसा स्वरूप होगा उसका निर्धारण करती है, विभाजन करती है, विभक्त करती है कि जो हमारा समीकरण है वो कैसा स्वरूप रखता है। इसे हम बहुत प्रचलित शब्द है डी इससे प्रदर्शित करते हैं और इसको हम डिस्क्रिमिनेटर या विभक्तिकर कहते हैं। विभक्तिकर है वो तय करेगा कि जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रवृत्ति, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। हमने देखा कि जो श्रीधराचार्य का द्विघात समीकरण को हल करने का जो सूत्र है उसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac संख्या है वो महत्वपूर्ण है, इसे हम डी से निरूपित कर रहे हैं और इसे हम अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेटर और हिंदी में विभक्तिकर कहते हैं। ये विभक्तिकर तय करता है कि हलों की संख्या कितनी होगी और उनका स्वरूप या प्रकृति कैसी होगी। एक मानक द्विघात समीकरण का जो स्वरूप है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, जहां ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी एक संख्या है एक्स रहित। इसमें एक शर्त है कि ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका स्वरूप धनात्मक पूर्णांक स्वरूप होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो जो विभक्तिकर है वो डी से इंकित है और उसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब एक पहली शर्त हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक हो, वो कोई परिमेय स्वरूप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण के जो मूल है वो दो वास्तविक और अलग अलग होंगे, वो है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, वो है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटा 2a और माइनस साइन के साथ, अगर विभक्तिकर को ऋणात्मक के साथ लें तो ये हो गई माइनस माइनस बी माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा में भाग 2a का। अब एक दूसरी परिस्थिति हो सकती है, एक दूसरी स्थिति हो सकती है जिसमें मेरा विभक्तिकर जिसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल रहे हैं उसका मान शून्य हो। ऐसी स्थिति में चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, जीरो से जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों जो मूल है वो एक समान आएंगे और दोनों वास्तविक होंगे। तो हम कहते हैं कि इसके दो एक जैसे मूल है और दोनों वास्तविक है।
अब एक तीसरी स्थिति हो सकती है जिसमें डिस्क्रिमिनेटर विभिक्तिकर का मान नेगेटिव आ रहा है, वो जीरो से छोटा है। हम दसवीं के इस विषय में काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन नहीं करते और वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के जोड़ को सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो मूल आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, सम्मिश्र आएंगे, और क्योंकि सम्मिश्र राशियां हम पढ़ नहीं रहे, आगे कोई उच्च वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग अध्ययन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अच्छी जानकारी आप पाएंगे। तो हम यहां दसवीं के स्तर पे ये कहेंगे कि ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या है, वास्तविक नहीं है। तो हमने देखा कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण, उसके अधिकतम सिर्फ 2 ही मूल हो सकते हैं, उसके अधिकतम सिर्फ 2 मूल होते हैं। कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं कि विभिक्तिकर कैसे मूलों की संख्या और प्रकृति निर्धारित करता है। हमें पहला उदाहरण दिया है, एक द्विघात समीकरण है 3x² - 5x - 2 = 0। हम दिए गए द्विघात समीकरण की एक मानक जो व्यापक जनरलाइज्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण की, ax² + bx + c = 0, इससे तुलना करें और देखेंगे कि ये जो x² का गुणांक है वो a 3 है, जो x का गुणांक है b वो यहां देखिए माइनस चिन्ह के साथ -5 है। इसी तरह से ये जो x रही संख्या है वो यहां तुलना करने से पता लग जाएगी कि वो -2 है। तो हमने तुलना करके और a b और c की जो मान है वो पता कर लिए। अब हमें पता है कि विभक्तिकर क्या होता है, b² - 4ac। मैंने इस उत्तर में b की जगह b का मान -5 4 तो फॉर्मूले में है, a की जगह 3 और c की जगह -2 लिखा, -5 का वर्ग तो आ गया 25 और 4ac का मान आ गया 4 × 12 = 24 और माइनस और माइनस का गुणा इसको बना देगा प्लस। अब आप देखिए कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो ये 49 एक वर्ग संख्या है, 7 का वर्ग है, तो d का मान 7 आ गया है। मैं देख रहा हूं कि d 0 से बड़ा कोई परिमेय स्वरूप है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समीकरण के 2 वास्तविक और अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं, हमें जो द्विघात समीकरण है वो दिया हुआ है 2x² + x + 1 = 0। अब हम इसे पुनः वही व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण का स्वरूप तो अब हमें याद हो गया है, ax² + bx + c = 0 है। तुलना करने से क्या होगा, देखिए जो x² का गुणांक है वो a आ गया 2, जो x का गुणांक है वो b के रूप में आ गया 1 और जो x रहित संख्या है वो c के रूप में आ गई 1। और अगर मैं अब डिस्क्रिमिनेटर विभिक्तिकर की गणना करता हूं b² - 4ac सूत्र की मदद से, तो b का मान क्या है 1, तो ये 1 का वर्ग हो गया, 4 तो सूत्र में है ही। अब इस 1 की जगह मैंने 2 और c की जगह जब 1 रखा तो 4ac की जगह आ गया 8 और मैंने देखा कि विभिक्तिकर -7 आया। अब ये जो विभिक्तिकर का जब मैं वर्गमूल लूंगा तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, तो हम कहेंगे कि इस समीकरण में जो ये 2x² + x + 1 = 0 है, हमारा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ध्यान रहे ये जो लाइन हमने पीले हाइलाइटर से शो की गई है, प्रमुखता से दिखाई है, बिल्कुल यही जो वाक्यांश है वो आपको उत्तर भाषा में इस्तेमाल करना है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा क्योंकि विभिक्तिकर ऋणात्मक है। एक तीसरी प्रकृति बताने वाला समीकरण भी ले लेते हैं, हमें दिया हुआ है कि समीकरण है x² + 2x + 1 = 0। पुनः व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से जब तुलना की, हमने पाया कि जो x² का गुणांक है a वो 1 आ गया, जो x का गुणांक है b वो 2 आ गया और जो x रहित संख्या गुणांक है c वो 1 आ गया। अब हम विभिक्तिकर की गणना करते हैं, सूत्र है हमारा विभिक्तिकर का डिस्क्रिमिनेटर का b² - 4ac, b की जगह क्या रखा हमने 2 रखी, 4 तो सूत्र में है, a की जगह 1 और c की जगह 1 रखा तो ये 4ac भी 4 आ गया। अब b का स्क्वायर और 4ac बराबर है तो रिजल्ट आ गया 0 और जब विभिक्तिकर 0 होता है तो मेरे जो दोनों मूल है उसमें चाहे प्लस साइन लूं चाहे माइनस साइन लूं रिजल्ट 1 ही आना है। तो समीकरण के कहने को तो 2 वास्तविक मूल होंगे लेकिन उनके मान 1 ही जैसे होंगे, दोनों एक समान होंगे, संपाती कहेंगे हम, समान अंक वाले ये 2 वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे क्योंकि विभिक्तिकर का मान क्या है 0 है। विभिक्तिकर के आधार पर मूलों की 3 अलग अलग प्रकृतियां हो सकती है, विभिक्तिकर धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, विभिक्तिकर अगर 0 होगा तो 2 एक समान मूल वास्तविक प्राप्त होंगे और विभिक्तिकर ऋणात्मक होगा कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। श्री धाराचार्य के द्विघात सूत्र का अभ्यास कुछ प्रश्नों से करते हैं। हमें एक समीकरण दिया हुआ है 6x² - 19x + 15 = 0। हम इस समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करते हैं जो कि है ax² + bx + c = 0 और इस तुलना से हम
एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और ये एक्स रहित संख्यात्मक गुणांक सी का मान ज्ञात करते हैं। हम देखते हैं कि तुलना से ए स्क्वायर और छह एक्स स्क्वायर को जब आपस में देखा, जो ए है उसका मान 6 प्राप्त हो गया है। अब हम इस x के गुणांक की तुलना करते हैं bx की इस -19x से, तो हमें जो b का मान है वो -19 प्राप्त हो गया है। अब तुलना कर लेते हैं इस x रहित संख्यात्मक गुणांक c की 15 से, तो हमें ये जो c का मान है वो 15 प्राप्त हो गया है। तो हमने आपस में व्यापक द्विघात समीकरण और दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करके ये जो गुणांक a, b और c है इनके मान प्राप्त कर लिए। a का मान आया 6, b का मान आया -19 और c का मान आया 15। तो सभी श्री धाराचार्य द्विघात सूत्र से करने वाले सवालों में सबसे पहले हम व्यापक द्विघात समीकरण में जो गुणांक a, b और c है उनके मान ज्ञात करते हैं। अब ज्ञात करेंगे डिस्क्रिमिनेटर या विविक्तकर, और हमने देखा कि जो विविक्तकर है उसमें सूत्र है b स्क्वायर -4ac, और ये जो b, a और c के मान है वो जब हम सूत्र में रखेंगे तो b -19 है उसका वर्ग आ जाएगा, और a की जगह 6 और c की जगह 15 लिखेंगे तो ये जो 19 का वर्ग है वो तो होगा 361 और 4ac का मान आएगा 360, घटाएंगे तो अंतर आएगा 1। अब कि विविक्तकर धनात्मक है इसलिए जो दो मूल आएंगे वो अलग अलग और वास्तविक आएंगे। एक मूल के लिए इसका विविक्तकर का धनात्मक मान लेना है और एक के लिए ऋणात्मक मान। जरा देखते हैं, ये है हमारे मूल ज्ञात करने का श्री धाराचार्य सूत्र, जो कहता है कि जो द्विघात समीकरण में चर एक्स है उसके दो मान होंगे, एक होगा -b प्लस वर्गमूल बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a और दूसरा होगा यही विविक्तकर के आगे ऋणात्मक चिन्ह लेके मैंने मान रखा। b का मान मुझे मालूम है -19 है और विविक्तकर मैंने गणना कर ली है वो 1 है, b -19 है वो जब -b किया गया तो +19 हो गया। विविक्तकर एक बार प्लस साइन के साथ इसे 20 दे देगा और माइनस साइन के साथ अंश को 18 दे देगा, और नीचे जब मैंने a को दुगना किया ये 6 है, a का मान मुझे मालूम है 6 और जब मैंने a का मान यहाँ 2a में रखा तो ये 6 × 12 हो गया हर में दोनों बार, और मैंने देखा कि मेरा एक उत्तर तो आ गया है 5/3 और एक उत्तर आ गया 3/2। अर्थ मेरे इस दिए गए द्विघात समीकरण 6x² - 19x + 15 = 0 के दो एक्स मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसके शून्यंक होंगे या इसके रूट्स या मूल होंगे, वो हैं 5/3 और 3/2। एक बहुत रुचिकर और परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं। हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² + mx + 5 = 0 और इस समीकरण में हमें m का वह मान ज्ञात करना है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल एक समान हैं। हमें जानकारी है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल एक समान होंगे जब उसका विविक्तकर डिस्क्रिमिनेटर b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो मुझे क्या करना चाहिए कि इस समीकरण में a, b और c के मान रखते समय यहाँ m आएगा, और जब मैं इस समीकरण को 0 के बराबर सिद्ध करूंगा तो गणना से मुझे m का मान ज्ञात हो जाएगा। कि जब हम श्री धाराचार्य के द्विघात सूत्र से कोई प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले हमें जो गुणांक है x² का a, x का b और c का संख्या गुणांक, इनके मान तुलना से ज्ञात करनी होती है। तो हमने दिए गए समीकरण 3x² + 5x + 5 = 0 को एक व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c से तुलना की और ax² और 3x² की तुलना की तो a का मान 3 आ गया। फिर हमने तुलना की इस bx की mx से, ध्यान रहे m वो राशि है जो मुझे ज्ञात करनी है, और इस तुलना से b का मान m आ गया। अब हमने ये संख्या रहित गुणांक c की तुलना यहाँ 5 से की और c का मान 5 आ गया। विविक्तकर डिस्क्रिमिनेटर का ये जो सूत्र है b² - 4ac, उसमें a, b और c के ये जो तुलना से मान ज्ञात हुए वो बस रखने हैं, और इसे जब हम 0 के बराबर करेंगे तो m का वो मान ज्ञात हो जाएगा जिस स्थिति में दोनों मूल समान है। अब मैंने इस सूत्र में जो b का मुझे मान तुलना से पता लगा m, a का मान जो मुझे तुलना से पता लगा 3 और c का मान जो मुझे तुलना से पता लगा 5, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ जब गुणा किया 4 का गुणा 3 से 12 और 12 को 5 से गुणा किया तो 60, 60 का पक्ष रूपांतरण किया तो हमने देखा कि m स्क्वायर का मान 60 हो गया, और 60 को मैंने एक वर्ग संख्या 4 प्राप्त करने के लिए 15 × 4 लिखा, 4 का वर्गमूल 2 आ गया और m का मान 2√15 ज्ञात हो गया। तो अगर m का मान 2√15 हो तो इस दिए गए समीकरण 3x² + 2√15x + 5 = 0 के मूल क्या होंगे? एक समान होंगे। अब विशुद्ध परीक्षा
प्रश्नों की बात करते हैं। हमारी परीक्षाओं में शब्दों के रूप में कुछ समस्याओं को दिया हुआ होता है और उन्हें हल करने के लिए हमें द्विघात समीकरण बनाकर और द्विघात समीकरण के मूल निकालने होते हैं जो उन समस्याओं को जो शब्दों में व्यक्त की गई है उनके हल होते हैं। कुछ उदाहरणों से चीजें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं, हमें दो क्रम से आने वाली विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 74 दिया हुआ है और हमें क्या करना है, वो संख्याएं ज्ञात करनी है कि चाहे संख्याएं सम हो या विषम हो उनमें दो का अंतर होता है। तो मैंने माना कि एक विषम संख्या x है और दूसरी उससे दो अधिक x प्लस दो हो जाएगी और दिया हुआ है कि उनके वर्गों का योग 74 है। एक समीकरण हो गया पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का जोड़ 74 है। मैंने इस समीकरण को दोबारा लिखा, पहली संख्या एक स्क्वायर तो वैसे की वैसे आ गई, फिर मैंने एक्स प्लस दो के होल स्क्वायर को खोला, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला सूत्र हो गया और वो बराबर है 74। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ा तो ये दो एक्स स्क्वायर हो गया और 74 को जब मैं उधर ले गया वो चार से जब मैंने सरलीकरण किया तो वो ऋणात्मक 70 स्वरूप आ गया और ये बराबर जीरो वाला रूप मानक रूप आ गया। सभी गुणांकों में दो उभयनिष्ठ है तो इस दो को अगर हम कॉमन करके हटा देते हैं तो ये एक सरल रूप आ गया इस दीवी शाब्दिक समस्या के द्विघात समीकरण का। अब मैं किसी भी तरीके से इसे हल कर सकता था कि ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है एक और ये जो एक्स रहित संख्या है -35, इन दोनों का गुणा -35 है क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसलिए मुझे ये बीच में जो एक्स का पद है जिसका गुणांक दो है उसके दो ऐसे अंतर राशियां बनानी है जिनका अंतर दो के बराबर हो। मैं जानता हूं कि तीन और एक का अंतर भी दो है, चार और दो का अंतर भी दो है, पांच और तीन का अंतर भी दो है, छह और चार का भी अंतर दो है, सात और पांच का भी अंतर दो है। अब मुझे जांच करनी है कि इनमें से किसका गुणा 35 है। तो देखिया मैंने कि तीन और एक का गुणा तीन है, चार और दो का आठ है, पांच और तीन का 15 है, छह और चार का 24 है और ये लगातार बढ़ता बढ़ता यहां देखिए सात और पांच का कितना आ गया 35 और ये मेरे इच्छित रूप हो गए इस दो के। मैं दो को लिखूंगा 7-5, तो जब मैंने दो को 7x-5x रखा तो अब मैंने दो जोड़े बनाने हैं। शुरू की दो संख्याएं एक्स स्क्वायर और 7x का एक जोड़ा बन जाएगा और बाद की संख्याएं 5x और 35 का एक जोड़ा बन जाएगा। पहली संख्याओं में मैंने जब x को वेनिस लिया तो ये बच गया x प्लस 7 और दूसरे जोड़े में से जब -5 को वेनिस लिया फिर मेरे पास बच गया x प्लस 7। x प्लस 7 को अगर मैं अलग से दोनों में वेनिस लेता हूं तो पहले पद से पहले दो संख्याओं के जोड़े से मेरे पास x आ गया और दूसरी संख्याओं के जोड़े से मेरे पास -5 आ गया। तो मैंने इस द्विघात समीकरण के दो खंड कर लिए, एक एक्स माइनस पांच और एक एक्स प्लस 7 और अब इससे मुझे प्राप्त हो रहा है कि या तो एक्स माइनस 5 जीरो है या फिर एक्स प्लस 7 जीरो है। अगर एक्स माइनस 5 जीरो है तो x का मान होगा 5 और नहीं तो x का मान होगा -7 क्योंकि मुझे दी गई संख्या एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होकर बढ़ती हैं, उनमें शून्य या ऋणात्मक मान शामिल नहीं है तो ये x -7 मुझे स्वीकार नहीं है। तो मेरा जो उत्तर है वो x का हो गया 5 और अगर x 5 है जो दूसरी संख्या है x प्लस 2 उसका मान हो गया 7। ये बहुत प्रसिद्ध परीक्षा प्रश्न है, अंक बदल सकते हैं लेकिन ये प्रारूप काफी बार दोहराया गया है। हमें कहा गया है कि कोई दो अंकों की संख्या है, एक अंक इकाई पर है और दूसरा दहाई पर है और उन दोनों अंकों का गुणनफल 12 है। अब अगर उस संख्या में हम 9 जोड़ दें तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, हमें उस संख्या के अंकों को ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि जो इकाई का अंक है वो तो है y और दहाई का अंक है वो है x। इसका मतलब x का जो भार है वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगा और संख्या 10x प्लस y हो जाएगी। अब अगर मैं इन अंकों y और x का मान इकाई और दहाई के स्थान पे बदल देता हूं और y जो पहले इकाई पे है वो अगर दहाई पे आ जाती है तो नया अंक 10y प्लस x हो जाएगा और मुझे दिया गया है कि जो नया अंक है वो पहले अंक से 9 जोड़ने पर बड़ा है ना दूसरा अंक, तो पहले अंक में 9 जोड़ने पर दूसरा अंक आ जाएगा। इससे मुझे अंकों के बीच में एक संबंध सरल करने पर आ गया, x को मैं जब पक्ष रूपांतरण करता हूं तो 10x में घटकर वो 9x रह जाएगा, इसी तरह से मैं अगर 10y को भी उधर ले जाऊंगा तो वो 9y रह जाएगी और अगर संख्यात्मक सारे मान इधर ले आता हूं तो वो 9 इधर पक्ष रूपांतरण से -9 आ जाएगी और 9 उभयनिष्ठ अगर मैं विभाजित कर देता हूं सभी पदों को तो मेरा सूत्र रूप आ जाएगा x-y = -1। मैं इसे समीकरण 1 मान लेता हूं। अब मुझे एक तथ्य दिया हुआ है कि जो अंक मुझे दिए हुए
इकाई का वाई और दहाई का एक्स, इन दोनों अंकों का गुणनफल 12 है। तो ये एक मेरा दूसरा समीकरण हो गया। अब मैं एक्स और वाई में दो समीकरण रखता हूं और इन्हें मैं अगर गणित की किसी भी प्रक्रिया से हल करता हूं तो मुझे एक्स और वाई के मान ज्ञात हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने एक्स का मान समीकरण एक से वाई माइनस एक प्राप्त करता हूं और उसे दो में रख देता हूं तो आप यहां देखिएगा कि अब मेरा चर तो एक ही है इस समीकरण में y, लेकिन उसकी घात अब अगर मैं y का यहां गुणा करता हूं y माइनस 1 से तो पहले पद के गुणा से तो आ जाएगा मेरे पास y और y के गुणे से y स्क्वायर और दूसरा पद आ जाएगा माइनस y। और यह संख्या 12 जब मैं इधर ले जाऊंगा माइनस 12 करूंगा तो यह बराबर शून्य के मेरा मानक स्वरूप हो गया y चर में एक द्विघात समीकरण का। अब मुझे इसे हल करना है तो मैंने देखा कि जो y स्क्वायर का गुणांक है एक और जो y रहित संख्या है माइनस 12 इसका गुणा माइनस 12 है। अगर ये ऋणात्मक है जैसे कि यहां है तो मुझे इस बीच वाले पद के गुणांक के दो अंतर इस तरह के बनाने हैं कि वो अंतर तो हो इस y का गुणांक एक और अंतर संख्याओं का गुणा हो 12। तो मैंने देखा कि जो एक है वो दो और एक का अंतर है, तीन और दो का अंतर है, चार और तीन का अंतर है, पर यहां मेरी अंतिम स्थिति आ गई है क्योंकि चार और तीन का गुणा मेरा क्या आ गया, वो इच्छित 12 अंक आ गया। तो मैंने इस माइनस वाई को लिख देना है माइनस 4y प्लस 3y। जब मैंने ऐसे लिखना है तो अब मेरे पास पहले दो पदों का एक जोड़ा बन जाएगा और दूसरे दो पदों का एक जोड़ा बन जाएगा। पहले दो पद हैं y स्क्वायर माइनस 4y, इससे मैंने जब y को बेनिस लिया तो ये अंदर रह गया y माइनस 4। इसी तरह से ये जो दूसरा पदों का जोड़ा है 3y माइनस 12, उसमें से जब मैंने 3 को कॉमन लिया तो अंदर बच गया y माइनस 4। तो यहां ये y माइनस 4 है वो पहले दो पदों के जोड़े और बाद के दो पदों के जोड़ों में उभयनिष्ठ है। इस उभयनिष्ठ को अगर हम एक बार फिर बाहर अलग ले लेते हैं तो पहले पदों के जोड़े से मेरे पास आ गया y और दूसरे पदों के जोड़े से आ गया 3, यानी मैंने दिए गए द्विघात समीकरण को दो एक घात के गुणनखंडों में बदल लिया है। अब मेरा सरल रूप हो गया गुणनखंड रूप, y प्लस 3 गुणा y माइनस 4 शून्य के बराबर है। अगर मैं इन्हें हल करता हूं तो मेरे पास y का मान एक बार तो आ गया 4 जब मैंने y माइनस 4 को 0 किया और एक बार आ गया माइनस 3। अब क्योंकि अंक ऋणात्मक नहीं हो सकते इसलिए सही उत्तर हो गया कि जो मेरा इकाई का अंक y है वो 4 है। अब मुझे पता है समीकरण 1 से कि x का मान y माइनस 1 है और y की जगह अगर मैं 4 लिख देता हूं तो मेरा जो दहाई का अंक है वो 3 हो गया। इसका मतलब मेरा अंक है वो 34 है और अगर इस 34 में मैं 9 जोड़ दूंगा तो वो 43 हो जाएगा। और आप देखिए 34 और 43 में क्या है, अंक अपना स्थान बदल रहे हैं। ये सापेक्षता थोड़ी सरल भाषा है। हमें कहा गया है कि दो वर्गाकार मैदान है और दोनों के क्षेत्रफलों का, ध्यान रहे वो वर्ग आकृति में है तो क्षेत्रफल वर्ग का अगर भुजा ए हो तो ए स्क्वायर हो जाता है, तो दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 वर्ग मीटर है। और ये कहा गया है कि एक बड़ा मैदान है और एक छोटा है तो उनके परिमापों में, ध्यान रहे एक वर्ग का परिमाप अगर भुजा ए हो तो 4a होता है, तो उनका अंतर 24 मीटर है। तो हमें क्या करना है, वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि दोनों वर्ग अलग अलग आकृति के हैं और बड़े बड़े वर्ग की भुजा है वो a है और छोटे वर्ग की भुजा b है। अब परिमाप भुजा का 4 गुना बड़े वर्ग का हो गया 4a और छोटे वर्ग का हो गया 4b। तो हमें कहा गया था कि परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर। तो मैंने बड़े परिमाप में से छोटा परिमाप घटाया और ये अंतर 24 आ गया। यहां 4 उभयनिष्ठ लेऊं और 24 में 4 का अगर विभाजन कर दूं तो ये मेरा दोनों वर्गों के भुजाओं के जो मान है a और b उसके अंतर का एक समीकरण आ गया कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर है वो 24/4 6 के बराबर है। कि मैदानों के क्षेत्रफल का योगफल 468 वर्ग मीटर है। अब मुझे पता है कि जो भुजा वर्गाकार मैदान की अगर a हो तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर हो गया बड़े मैदान का और ये हो गया छोटे मैदान का और ये हो गया दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर। ये मैं पीले रंग से हाईलाइट कर देता हूं मेरा दूसरा समीकरण। अब मैं समीकरण 1 से b को अगर मैं इधर ले जाऊं तो a की जगह मैं 6 प्लस b लिख सकता हूं और वो 6 प्लस b मान a की जगह ये जो 6 प्लस b मान रखा ये रूप हो गया 6 प्लस b का पूर्ण वर्ग प्लस b का वर्ग इज इक्वल टू 468 इज इक्वल टू 468। अब अगर मैं इस यहां a प्लस b का वर्ग खोल लेता हूं तो a 6 है तो ये हो गया 6 का वर्ग b का वर्ग और 2ab a की जगह अगर 6 लिखता हूं तो ये हो गया 12b। ये
ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर पुराने समीकरण से यथावत ले लेते हैं और बराबर में 468 लिख देते हैं। अब आप देखिए कि ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़कर 2b स्क्वायर आ गया है, 12b यथावत है और 468 में से जब 36 घटाया है तो ये 432 आ गया है। पूरे समीकरण में सभी पद के जो गुणांक है वो सम संख्याएं हैं तो 2 का भाग चला जाएगा, 2b स्क्वायर है वो b स्क्वायर हो जाएगा, 12b 6b हो जाएगा और 432 है वो 216 हो जाएगा। और बराबर शून्य करने के लिए मैंने 216 का पक्ष भी रूपांतरण कर दिया है। अब ये एक मानक समीकरण हो गया है द्विघात समीकरण बी में, और हम श्री धाराचार्य नियम से बी का जो मूल है या वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या बी के शून्यांक है वो ज्ञात कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो श्री धाराचार्य नियम है वो कहता है कि जो बी का कोफिशियंट, बी के वर्ग का कोफिशियंट है वो 1 है ए, तो या नीचे जो 2a में और ये 4ac में जो फॉर्मूले का रूप है मैंने 1 लिख दिया। ये जो दूसरा पद है इसका जो गुणांक है वो हमारे मानक समीकरण में बी है और मेरे फॉर्मूले में इस बी की जगह मैंने दोनों जगह पे 6 लिख दिया, ये माइनस बी में 6 लिख दिया और ये बी स्क्वायर में मैंने 6 लिख दिया। और अब ये माइनस 216 मेरा सी है जो मैंने 4ac में यहाँ लिख दिया। अब मैं 6 का वर्ग करता हूँ तो वो 36 आ गया, यहाँ 4ac है वो 864 आ गया और इनका जोड़ आप देखिए 900 आ गया है और 900 एक वर्ग संख्या है, 30 का वर्ग है 900, वर्गमूल लेने से ये आ गया 30। अब नीचे ये एक ए होने पर 2a 2 है, एक बार मैं इस विविक्तिकर का बी स्क्वायर माइनस 4ac का जिसका मान वर्गमूल लेने के बाद 30 आ गया है उसको अगर मैं एक बार प्लस साइन लूं तो ये माइनस बी माइनस 6 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 30 ले लिया और 2a 2 है तो ये ऊपर 24/2 और मेरा उत्तर आ गया 12। और अगर मैं यहाँ माइनस 30 लूं तो ये माइनस 6 और माइनस 30 हो गए माइनस 36, 2 का भाग दिया तो ये उत्तर आ गया माइनस 18, क्योंकि कोई वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए एक ये 12 जो धनात्मक आंसर है वही स्वीकार है, तो छोटे वर्ग की भुजा क्या हो गई 12। अब हमें पता है कि दोनों में अंतर 6 मीटर का है तो बड़े वर्ग की भुजा हो गई 12 से 6 ज्यादा 18 मीटर, तो हमारे उत्तर आ गए वर्गों की भुजाएं क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है। ये एक सरल सा लेकिन परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जबकि हमें दिया गया है कि शून्यांकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। मान लेते हैं कि हमारा जो द्विघात बहुपद है वो एक मानक रूप ax² + bx + c रखता है और इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। अब हमें पता है कि अगर ये मानक रूप है तो शून्यांकों का जोड़ है वो -b/a होता है और वो हमें दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है -3। इसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा c/a होता है और वो हमें दिया हुआ है 2। अब अगर मैं a को 1 मान लूं तो तुलना से -b - 3 है तो b 3 हो गया और यहाँ c 2 हो गया। व्यापक द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a b और c का मान रख दें, a की जगह 1 रखा, b की जगह 3 और c की जगह 2, तो मेरा जो बहुपद आया है द्विघात बहुपद वो आ गया x² + 3x + 2। एक सरल सा प्रश्न लेते हैं, हमें 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल निकालने हैं। अब आप देखिए x² का गुणांक 3 और x रहित संख्या 2 का गुणा 6 है। अब मैं 2√6 जो बीच का पद का गुणांक है उसके दो टुकड़े कर लेता हूं, √6x √6x। अब इन गुणांकों का देखिए √6 और √6 का गुणा इन x² के गुणांक 3 और ये x रहित संख्या 2 के गुणा के बराबर हो गया। तो अगर मैं 2√6 की जगह अगर ये ऐसा लिख देता हूं तो अब पहली दो संख्याओं का एक समूह बना लेते हैं और दूसरी दो संख्याओं का एक समूह बना लेते हैं और इस पहले समूह में मैंने जब √3x कॉमन लिया तो मेरा बच गया √3x पहले भाग में और √2 दूसरे भाग में, और जब मैंने दूसरे भाग में मैंने √2 को कॉमन लिया तो वही शेष बच गया जो पहले भाग में बचा था। अगर हमें रूट की संख्याओं के बारे में अनुभव अच्छा है तो ये बहुत आसानी से मालूम हो गया। अगर मैं √3x - √2 एक बार कॉमन ले लूं तो पहले भाग से √3x और दूसरे भाग से -√2 फिर आ गया, तो ये √3x - √2 का पूर्ण वर्ग हो गया है। अब मैं इसे हल कर सकता हूं क्योंकि वर्ग संख्या शून्य है तो इसका मतलब है कि √3x - √2 ये शून्य है और अगर मैं √2 को इधर ले जाऊं और फिर √3 का भाग दे दूं तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये जो दो मूल आए हैं वो दोनों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है दोनों बार एक ही आएंगे तो इसके मूलों की क्या है पुनरावृत्ति हो रही है और जो पुनरावृत्ति होने वाले जो दो मूल हैं इस समीकरण के वो हो गए √2/3 और √2/3।
एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हमें दिया हुआ है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग 12 है और उन्हीं संख्याओं के अगर व्युत्क्रम कर दिए जावे तो उन व्युत्क्रमों का योग 4/9 है। हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। माना एक संख्या x है, दोनों का योग 12 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12-x। अब अगर मैं इन संख्याओं को उल्टा कर देता हूं, x का उल्टा 1/x और दूसरी संख्या 12-x का उल्टा हो गया 1/12-x और कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 4/9 है, ये दिया हुआ है। यहाँ ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो हर में राशि है, पहले में x और दूसरे में 12-x, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, तो वो जीरो नहीं है। अब हमने क्या किया, एक सरल सा सरलीकरण किया एलसीएम लेके, इन दोनों का गुणा एलसीएम हो गया और ये ऊपर क्रॉस गुणा होने पे पहले पीले हाइलाइट में देखिए 12-x आ गया है और ये इधर ऊपर जाके दूसरी जगह पे x आ गया है। और एक बड़ी रुचिकर बात हुई, ये x दोनों का कट गया है और ये 12/12x-x² 4/9 हो गया। वज्र गुणा करते हैं, 4 की तरफ 12-x-x² चला गया और ये 12 और 9 का गुणा 108 हो गया। ये जो 4 का गुणा हो रहा है वो 108 में अगर मैं भाग कर देता हूं तो 108 में 4 के भाग देने से मेरी संख्या हो गई 27 और मेरा रूप हो गया 12-x-x² = 27। इसको अवरोही क्रम में मानक रूप देने के लिए और बराबर 0 करने के लिए लिख दिया x²-12x+27 = 0। अब आप देखिए x² का गुणांक 1 और x रहित संख्या 27 का गुणा 27 है, क्योंकि ये x² का गुणक और x रहित संख्या का गुणक का गुणा 27 है और वो धनात्मक है, तो मुझे x का ये जो बीच वाला पद है इसका जो गुणक है 12, उसको दो ऐसी संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त करना है कि जोड़ तो हो 12 और गुणा हो 27। अब ये जोड़ हो गए 11, 1, 10, 2, 9, 3 और यहां मेरा काम हो गया। 9 और 3 का गुणा क्या है? 27 है। तो मैंने इस 12 को क्या किया, 9 और 3 के जोड़ के रूप में लिख दिया। अब ये पहली दो संख्याओं का एक समूह हो गया और ये दूसरी दो संख्याओं का समूह हो गया। पहली संख्या में जब मैंने x कॉमन लिया तो ये x-9 बच गया और दूसरी में जब मैंने -3 कॉमन लिया तो फिर x-9 मिल गया। इन दोनों में से जब x-9 कॉमन रखा तो पहली संख्या से x और दूसरी संख्या से -3 मुझे प्राप्त हो गया, अर्थात मैंने ये जो द्विघात समीकरण दिख रहा था x²-12x+27 = 0 उसे मैंने एक घात के एक चर के दो गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। और अब क्योंकि इन दोनों का गुणा शून्य है तो या तो x-3 शून्य है या x-9 शून्य है, और अगर x-3 शून्य है तो x का मान 3 होगा अन्यथा x का मान 9 होगा। अब आप देखिए अगर पहली संख्या 3 है x तो दूसरी संख्या उसमें से 3 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो गई, और अगर पहली संख्या 9 है तो दूसरी संख्या 12 में से 9 घटाओ 3 हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि जो अभी संख्याएं हैं जिनका जोड़ तो 12 है वो 3 और 9 है, और अगर मैं इनको उल्टा कर दूं 1/3 और 1/9 तो उनका जोड़ क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। आशा है द्विघात सीरीज की ये दूसरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे विशेषज्ञों की मेहनत से आपकी गणित समझ भी सुधरेगी और विषय में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, इसी सोच के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। हैप्पी लर्निंग।